मढ़ा समय माता मंदिर परिसर पर भक्तिमय कथा का आयोजन किया गया। वजीरगंज के ग्राम डल्लापुर आयोजक भवन पांडे ने बताया कि श्री भूषण जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। प्रधानों और सभी के सहयोग के द्वारा कथा का आयोजन किया जाता है और दूर दूर से आए लोग इस कथा का रसवादन करते हैं और अभिभूत होते हैं। इस स्थान का विशेष महत्व इस कारण भी है कि जिन महिलाओं की गोद सूनी होती है, माता उनकी गोद भर देती है। ये आयोजन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बरसों से आयोजन कर रहा हूँ, हमको तो बहुत पहले से ही विश्वास था, जब से मैं चालू किया हूँ, नहीं यहाँ जंगल में क्यों मंगल होता जी। तो लोग आते गए, पूछते गए, जिस जो जो किसी आया उसका माता ने काम किया, वो लोग सब जुड़ते गए और वो दूसरे को बताए। 20-20 साल से औरतें आती थी, बेचारी रोती की लगती थी, मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई, कहीं हमारे बच्चे नहीं पैदा हुए। हमने कहा कि अगला साल नहीं बीतेगा, तुम माँ पर विश्वास रखो, मैं उनका छोटा दास बन के उनसे विनती कर दूंगा कि हे मैया, तेरे पीछे हमारा भी नाम होगा, इनका कर दो। तो बहुत दूर दूर से, सीतापुर से और अन्य जिलों से औरतें आई हुई, दूसरी बार आई तब वो लड़के को लेकर आई। तो कितनी अद्भुत रहस्य है इसको कह नहीं पाऊंगा। बहुत साल से आप सेवा कर रहे हैं इस स्थान पे, और कभी आपने अपनी पहचान छुपाए रखी, बहुत ज्यादा लोगों को अपना नाम नहीं बताया। मैं जानना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप अपना पूरा परिचय दें। यदि राजनीति के दुनिया में होता तो परिचय पहचान देता, यदि कोई कमाई के दुनिया में होता तो परिचय पहचान देता। माता के बारे में परिचय पहचान देना उचित नहीं समझा। जो आया उनको माता उनका काम किया, अगर हमसे पूछा क्या करूं कैसा करूं, तो हमने कहा सिर्फ उनका पैर पकड़ो, उनके चरणों में आया करो महीने दो महीने। ये मैया इस समय एक साल के अंदर अगर लीगल काम है, अनलीगल काम नहीं है, तो कोई यहाँ आकर के खाली आज तक 35 सालों में गया नहीं। वो अगर चला भी गया तो वो उधर से झोली अपनी भर के और माँ के दरबार में पहुंचा कि मेरे पुत्र नहीं था, 18 साल से 20 साल से मेरे पुत्र पैदा हुआ है। तो हमने कहा और जो ऐसे ऐसे परेशान लोग हो उनसे बताओ, रोगी दुखी आए वो उनका रोग कष्ट दूर हुआ। अब कितने बात है 35 साल की कथाएं में, कितना चमत्कार। आप यहाँ के स्थानीय प्रधान हैं, इस स्थान से कब से जुड़े हैं? मैं लगभग 3-4 वर्षों से जुड़ा हूँ। वैसे हमारे परिवार में लगभग 20 वर्ष से सब लोग, हमारी माता जी, हमारे परिवार के लोग यहाँ पे आते हैं जी। लेकिन मैं 3-4 सालों में जब से जुड़ा हूँ तब से मैं बहुत सुखी हूँ जी। किस तरह का सुकून महसूस कर रहे हैं जिंदगी? हर तरीके का आत्मशांति है जी, और हमारा सब काम बनता है, माता की कृपा हमारे ऊपर है, और जो लोग हमारे साथ आते हैं उन लोगों के ऊपर भी माता की कृपा है, सब लोग सुखी हैं। यहाँ के स्थानीय पुजारी जी, वो अगर यहाँ आना चाहें तो किस तरह से आ सकते हैं? गोंडा मुख्यालय से उनको कैसे आना होगा? फैजाबाद, गोंडा मुख्यालय से फैजाबाद रोड से बलेसरगंज एक छोटी सिटी पड़ती है, वहाँ से यहाँ का भी रास्ता नजदीक है। तरफगंज से भी वो आना चाहें तो तरफगंज से भी रास्ता है, चारों तरफ से मैया के यहाँ आने का रास्ता है। नहीं, जब वो यहाँ पे आएंगे तो उनको कौन कौन से साधन उनको मुहैया हो सकते हैं? उनको हर साधन, रोड पे सवारियां चल रही हैं, यहाँ तक गाड़ियां आती जाती रहती हैं, हर साधन उनको। आप जन प्रतिनिधि हैं, सरकार से इस स्थान के लिए कोई योजना? हमने माननीय विधायक श्री प्रेमनारायण पांडे जी से जी माँ मढ़ा समय स्थान के पास आने के लिए जी बलेश्वरगंज से मझारे होते हुए जो दुर्जनपुर मार्ग गया है, इसके बीच से थोड़ा जो कच्चा रास्ता है इसके लिए पक्की सड़क का प्रस्ताव दिया है जी, और माता रानी चाहेंगी तो विधायक जी द्वारा बहुत जल्द ही 2 किलोमीटर का लगभग ये पक्की सड़क का रास्ता बन जाएगा। और शौचालय वगैरह की व्यवस्था? शौचालय वगैरह की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत जल्द। पेयजल का? हाँ, पेयजल की व्यवस्था है, 2-3 जगह जगह सरकारी हैंडपम्प एक लगा है, 2-3 जगह छोटे। अच्छा, दूर से अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है दर्शन करने तो यहाँ ठहरने की भी उचित व्यवस्था है? जी जी,
धर्मशाला बना हुआ है? हाँ, बगल में धर्मशाला भी है। यहाँ पे भक्तों को रुकने के लिए और घूमते भी है, और भक्त आते हैं नवरात्रि के समय पे, माताएं बहने वो यहाँ पे रुकती हैं। भोजन की व्यवस्था? भोजन की व्यवस्था होती है। चलिए ठीक है।